इस समाचार के प्रायोजक हैं श्री मोबाइल इंडिया, अभिषेक इंटरप्राइजेज और न्यूबॉर्न एंड पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर सेंटर। मुजफ्फरपुर के कई थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी में 12 अपराधी गिरफ्तार, कई हथियार और मोटरसाइकिल बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस की कार्रवाई में लूट डकैती जैसे संगीन मामलों को अंजाम देने के लिए बैठे 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर के कटरा, हथौरी, अहियापुर और मुशहरी थाना क्षेत्र के इलाकों में पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर सभी अपराधियों को दबोचा है। इनके पास से 3 कंट्री मेड पिस्टल, 4 देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर SSP जयंत कांत ने कहा कि गिरफ्तार सभी अपराधी अपने क्षेत्र में बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसे पुलिस ने असफल कर दिया। पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर पुलिस को अहम सफलता मिली है, जिसमें 4 डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट थाना क्षेत्रों में पुलिस का सिटी एसपी एवं ASP ईस्ट, DSP टाउन के नेतृत्व में 4 जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 पिस्टल के साथ में 7 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 14 राउंड गोलियां और बाइकें बरामद की गई हैं, जिसमें टोटल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी अपराधी पूर्व में डकैती, लूट एवं हत्या जैसे संगीन अपराधों में मुजफ्फरपुर पुलिस को इन सभी की तलाश थी। इस प्रकार अपराध नियंत्रण में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है और इससे अपराध नियंत्रण मुजफ्फरपुर क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में लूट, हत्या की, डकैती की घटनाओं को रोकथाम में मदद मिली। अभी भी ये लोग कुछ करने जा रहे थे क्या, कुछ प्लानिंग थी? इसमें सभी अपराधी जो थे, इन सभी की जहाँ जहाँ पे जिन जिन थाना क्षेत्रों में, इसमें से कटरा थाना क्षेत्र में, इसके अलावा अहियापुर थाना क्षेत्र में, मुशहरी थाना क्षेत्र में, सभी अपराधी अपने अपने जगहों पर इकट्ठा हुए थे और इन लोगों की योजना लूटपाट की ही थी, लेकिन पुलिस की टीमों ने इस मौके पर पहुंचकर इन लोगों को अरेस्ट किया है और इनसे आगे की पूछताछ जारी है। मुजफ्फरपुर में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अत्याधुनिक मशीनों के साथ आ गया है न्यूबॉर्न एंड पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर सेंटर। यह सेंटर आधुनिक संसाधनों और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। यहां 24 घंटा नवजात शिशु का इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा अत्याधुनिक नवजात वेंटिलेटर, CPAP, रेडिएंट वार्मर, सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, कार्डियक मॉनिटर, LED फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, एपनिया मॉनिटर, बेड साइड एक्सरे, ब्लड गैस एनालाइजर आदि जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें उपलब्ध हैं। अनुभवी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज नारायण और डॉक्टर प्रिया सिंह के द्वारा सभी नवजात शिशुओं का बेहतर इलाज किया जाता है। हमारा पता है एडवांस न्यूबॉर्न एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, राजेश नर्सिंग होम, 3rd फ्लोर, जूरन छपरा रोड नंबर 2, सुधीर फार्मेसी के सामने, मुजफ्फरपुर। हमारा टेलीफोन नंबर है 8130791010, 9304145362015830800। हमारे यहाँ इस एडवांस न्यूबॉर्न सेंटर पीडियाट्रिक क्रिटिकल सेंटर है, इसमें हमारे सब लेटेस्ट वेंटिलेटर है, SLE 5000, SLE 6000, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर होते हैं, जो नॉर्थ बिहार में पहला ये सेंटर है जहाँ पे ये उपलब्ध है। उससे बहुत सारे फायदे हैं, जो बच्चे बहुत क्रिटिकल होते हैं वो बच्चे भी बच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बच के गए यहाँ पे, जिसकी माँ बाप ने भी उम्मीद खो दी थी बचने की, लेकिन बच के गए यहाँ पे। हमारे पास बहुत अच्छी इनक्यूबेटर है, जो कि बिहार का दूसरा इनक्यूबेटर यहाँ पे लगाया गया, जो बच्चे 1 किलो के और कम पैदा होते हैं, 500 ग्राम के, 600 ग्राम के, वैसे बच्चे के लिए हमारे यहाँ से 600 ग्राम तक के बच्चे बच के गए हैं। जो अभी के दिखाने के लिए आते हैं वो 5 किलो के आसपास हो गए। अभी हम लोग फिर एक नया मशीन लाने वाले हैं, जो ऐसे बच्चे के लिए, जो बच्चे की जन्म के बाद नहीं रोए हैं, जो बच्चे माँ के पेट में लैट्रिन खा लिए हो, जिनके दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, उससे दिमाग का विकास उनका ठीक से हो, उसके लिए वो मशीन ला रहे हैं, जिसका थेरोपेटिक हाइपोथर्मिया बोलते हैं।
देखिए डिलीवरी के बाद जिन नवजात बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है या दूसरी कोई भी शिकायत होती है तो ऐसे बच्चों को जितनी जल्दी हो सके एक अच्छे NICU की व्यवस्था उपलब्ध कराने से ऐसे बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क आता है और ऐसे उनके बचने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस NICU में ऐसी सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास के वेंटिलेटर्स, SLE 6000, इंक्यूबेटर फैसिलिटी, जो कि जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं ऐसे बच्चों को इंक्यूबेटर में रखने की आवश्यकता होती है, ये सारे फैसिलिटीज़ इस NICU में उपलब्ध हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है जन्म के समय, उनको जितनी जल्दी हो सके NICU की व्यवस्था यदि उपलब्ध होती है तो ऐसे बच्चों में बचने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव। नाव पर देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।